एमबीबीएस फोर बनाया था, जो जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी ने, उस सपने को मायावती जी छूट छूट कर रही है। आज मायावती जी आज टिकटों के इस तरह से बिक्री कर रही है, एक वेश्या भी यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता, तीन तीन बार की मुख्यमंत्री मायावती जी, किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, हमको ये कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको वो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। एक वेश्या से भी बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई है। इसलिए काशीराम जी के बनाए हुए कार्यकर्ता उनको साथ छोड़ करके अब जा रहे हैं। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। तो अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, इस तरह की कोई भी बात है, तो ये बहुत निंदनीय और खेद का विषय है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे। मैं एक बार फिर बहन मायावती जी के प्रति खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ। हम सब आपकी प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। What empowers him to talk like this? He thinks he's a man, is it? Is this what masculinity means? इतने बैकवर्ड लोग इस देश के हालात इसीलिए है कि ऐसे लोग कहीं पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। He must apologize. I hope the court is taking cognizance of this. RSS को कहने से कहते हैं कि हम अपॉलोजी दें। I think it's extremely important that such politicians should be immediately thrown out from the parties. मैं माफ़ी मांगता हूं यदि मेरे मैं उस बयान मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था। मैं बहन मायावती जी की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बड़ी नेता हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं।